21वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल बगहा द्वारा साइकिल रैली के माध्यम से प्लास्टिक के प्रयोग को रोककर पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया गया। एसएसबी 21वीं वाहिनी बगहा द्वारा साइकिल रैली के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें श्री दीपक कुमार मिश्रा अनुमंडल पदाधिकारी बगहा, किरण कुमार गोरख यादव पुलिस अधीक्षक बगहा, प्रकाश कमांडेंट 21वीं वाहिनी अंशुमान मुखोपाध्याय, सहायक कमांडेंट वंशदीप माझी, सहायक कमांडेंट स्कूल के छात्र छात्राओं एवं एसएसबी बलकर्मियों को अविनाश पांडे न्यायाधीश प्रथम बगहा द्वारा हरी झंडी दिखाकर 21वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल मंगलपुर बगहा से गंडक बराज वाल्मीकि नगर के लिए रवाना किया गया था। ये लगभग 42 किलोमीटर का सफर तय किया। इसके लिए प्रकाश कमांडेंट 21वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल बगहा, आप सभी को इस समाज को जागरूक करने हेतु आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं कहा। ये साइकिल रैली आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य था कि आज के परिवेश में पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बेहतर प्रयास किया जाए। आप सभी को बता दूं कि प्लास्टिक हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है। आज हर प्रकार की चीजों को रखने के लिए प्लास्टिक वस्तुओं का उपयोग हो रहा है, जिसमें दूध, तेल भी, कोल्ड ड्रिंक, मसाले, दवाइयां, नूडल्स का उपयोग हो रहा है। आज सभी प्रकार के बाजार से खरीद कर लाने वाले सामान को प्लास्टिक की थैली में दिया जाता है। प्लास्टिक प्रदूषण से जीव जंतु इंसानों के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मिट्टी को पूरी तरह से प्लास्टिक बंजर बना देता है। प्लास्टिक के प्रयोग करने के बाद हम उसे यत्र तत्र फेंक देते हैं, जिसके कारण जलीय जीव जंतु जैसे मछलियों की मृत्यु हो जाती है। प्लास्टिक से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, जिससे वातावरण प्रदूषित होता है। पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान कर सके इस कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर ममता अग्रवाल, कमांडेंट चिकित्सा 21वीं वाहिनी डॉक्टर विनय कुमार, लक्ष्मीपुर रामपुरवा तपस जी, सीमा जागरण, श्रीमती लक्ष्मी खत्री, जनशक्ति फाउंडेशन बगहा एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित। फिलहाल की कुछ खास खबरें, बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए UFT लाइव टीवी। नमस्कार।